नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को संबोधित कर रहे हैं। आइए देखते हैं वे अपनी जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग भी और एक इस्लाम का कल्चर दिखाया गया है यहाँ। पहले वो हॉलीवुड से शुरू होता है, फिर बॉलीवुड जाता है, फिर बॉलीवुड से यहाँ आ जाता है। एक थर्ड हैंड कल्चर प्रमोट हो रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि कोई पता तो चले हमारे बच्चों को, नौजवानों को, कि फ़र्क क्या हमारे में, कि हमारा भी एक कल्चर है, उसमें भी रोमांस है, उसमें भी तारीख का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर अपनी इस्लाम के वैल्यूज़ दिखाए गए हैं। देखिए, जिस कल्चर की बात यह इमरान लोंडा कर रहा है, उसका तैमन धरण भी आगे जिस वीडियो को आप देखेंगे उसमें पूरी तरह हो जाएगा। पर जहां तक पाकिस्तान के इस्लाम के कल्चर की बात आती है, वहां कल्चर से ज्यादा गधे और खच्चर हैं। इन गधों को बस एक ही बात आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बराबरी भारत की ही करनी है, जो इनको शायद इनकी कयामत आने तक भी नसीब नहीं होने वाली है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1508 मामले आ चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 79% मामले कोरोना वायरस के स्थानीय स्तर पर फैलने कारण सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि मुल्लाओं की दुआएं मदरसे की दीवारें नहीं कूद पाई। वैसे भी यहां पर मुल्लाओं ने अल्लाह के नाम पर जो बकरी कुर्बान किया है, उससे अब मस्जिदें ही कोरोना वायरस का प्रमुख स्रोत बन गई है। पाकिस्तान में कोरोना उन्हीं मस्जिदों में तैयार हो रहा है जहां ये पिछवाड़ा उठाकर सूरज को मोमबत्ती दिखाया करते थे। पर यह पाकिस्तान का असली दर्द नहीं है। जिनको इनके दर्द से रूबरू होना है, उन्हें इस तहमतबाज का यह वीडियो देखना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान लोंडे जैसी नस्ल ऐसे ही महापुरुष की देन है। आइए देखते हैं रुला देने वाला ये वीडियो। मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता ये जो हुकूमत ने ये कदम लिए आवाम की बेहतरी के लिए, जान होगी तो जान। आवाम की बेहतरी के लिए तो यहाँ तो इसीलिए घर में कैद में है ना, घर से बाहर निकल नहीं रहे। अब ये पेट तो मांगता है, इसने तो शाम को खाना है। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? आप मुझे बताएं, 4 मेरी वाइफ है, 26 मेरे बच्चे हैं, 12 बेटी हैं, 14 बेटे। अब उनको बताओ किधर से ला के दूं? तो क्या कोई माने या ना माने, पर यह बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा रहा तो इसके 26 बच्चों और 4 लुगाई का क्या होगा। यह किसी मुल्ला का दर्द नहीं है, बल्कि इस्लामिक कल्चर की वास्तविकता है। इमरान खान ने इस्लाम के इसी कल्चर की बात की है। पर सवाल यही है कि इस मुल्ला ने 4-4 शादियां अमेरिका से पूछकर की थी या IMF को इसने चिट्ठी लिखकर पूछा था? शादी कर भी ली गई तो 26 टोपी बाजों को पैदा करने के लिए ममनून हुसैन से परमिशन ली थी या आरिफ अलवी इसके घर थाली बजाने गए थे? इमरान लोंडा अगर रोमांच की बात कर रहा है तो उसने ऐसे राजा मजनू को इग्नोर क्यों कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में यह अकेला रोमियो नहीं है, यहां तो पूरे पाकिस्तान के तहमंदी दागदार हैं। खुद पाकिस्तान का यह फकरू PM भी 3-3 बीवों का खसम रह चुका है। ऐसे में कल्चर सही दिशा में जा रहा है, पर पाकिस्तान की समस्या और भी बड़ी है। यह लॉकडाउन पाकिस्तान के लिए कहीं अधिक हाहाकारी हो रहा है। काम धंधे बंद है, सारे तहमतबाज निठल्ले पड़े हैं। ऐसे में जनसंख्या के एक बड़े विस्फोट की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि ये टोपीबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जिससे अगले साल तक पाकिस्तान की आबादी में 3 करोड़ का इजाफा हो सकता है। संभवतः इमरान खान कल्चर की दुहाई देकर टोपी बाजों को अभियान सफल बनाने का संदेश दे रहे हैं। 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में 2 कामों पर कभी रोक नहीं लग पाई, एक भीख मांगने पर और दूसरी जनसंख्या बढ़ाने पर। इस मुल्क में हर टोपी बाज की पैदाइश पर थालियां जरूर बजाई जाती है। यही वजह है कि जनसंख्या के औसत वृद्धि दर में पाकिस्तान ने भारत को अवश्य पछाड़ दिया है। यह करिश्मा इसलिए हो पाया कि यहां 4 शादियां करने और सैकड़ों बच्चे पैदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी यह केवल पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, बल्कि इस्लाम का भी कल्चर है। बेहतर यही है कि मोदी सरकार के कानून के बाद भारत में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, वरना गलियों में आज पॉलिथीन उड़ती नहीं फिर रही होती। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।